होली खेलने अपने गांव जा रहे मजदूरों की पिकअप को पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे पर गांव मसाड़ा के नजदीक हुए हादसे में महिला व पुरुष की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक घायल हुए हैं। गंभीर रूप से जख्मी हुए 14 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की 3 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में जख्मी हुई महिला सर्वेश तेजपाल व मोहम्मद सोनू ने बताया कि सभी घायल यूपी के बरेली और रामपुरा के रहने वाले हैं। होली पर अपने गांव जाने के लिए जीरकपुर से पिकअप गाड़ी को किराए पर किया था। वह शाम 7 बजे जीरकपुर से यूपी के लिए रवाना हुए थे। रात करीब 9 बजे के करीब वे शाहबाद पहुंचे और यहां से शाहबाद और पिपली के बीच गांव मसाड़ा के निकट पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में बरेली वासी रामपति पत्नी सूरजपाल की गर्दन कटने से मौत हो गई, जबकि उसका पति सूरजपाल, पुत्र विकास, पुत्री गुड़िया भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं एक अज्ञात व्यक्ति की भी मौत हुई है। पिकअप में सवार 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इनमें गुड़िया और विकास की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जिला अस्पताल में एक साथ इतने घायल पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी घायलों के इलाज में जुट गए। यहां बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय संयोग से SHO मलकीत सिंह व इंस्पेक्टर रामकरण की टीम गश्त पर थी। मलकीत सिंह के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कई लोग पिकअप के नीचे दबे हुए हैं। आनन फानन में गाड़ी को सीधा किया गया। पिकअप में 24-25 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई दूसरा वाहन इनसे नहीं भिड़ा। वहीं इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि जिले अस्पताल में भले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन ऐन मौके पर चिकित्सा अधिकारी भी सुध नहीं लेते। घायलों को लेकर पहुंच रही एम्बुलेंस की कतार लगी हुई थी। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में मात्र एक चिकित्सा अधिकारी मौजूद था। हालांकि ऐसे इस भीषण हादसे में अन्य चिकित्सक को ऑन कॉल होना चाहिए था। 9:33 पर अस्पताल के RMO को फोन करके सूचित किया गया, लेकिन रात 11 बजे तक भी अन्य कोई चिकित्सक की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यहां मौजूद चिकित्सा अधिकारी जहां घायलों की कागजी कार्रवाई और उपचार में जुटे हुए थे, आपातकालीन विभाग में तैनात एक नर्सिंग ऑफिसर ने महिला व पुरुष वार्ड में सेवाएं दे रही अन्य नर्सिंग ऑफिसर, BAMS इंटर्न और वार्ड सहायक सहित अन्य कर्मचारियों के सहयोग से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। चंडीगढ़ से आ रहे थे, रामपुर जा रहे थे। रास्ते में मेरी गाड़ी बीच वाली लाइन पे चल रही थी। 3 लाइनें होती है रोड पे, बीच वाली लाइन में मेरी गाड़ी चल रही थी। पीछे से ट्रक वाले ने आके मेरी गाड़ी पीछे से मारी है। आपके पास कितनी सवारी थी आपकी? 10-12 सवारी थी। होली करने जा रहे थे, पीछे से ट्रक वाले ने जब मेरी पिकअप की गाड़ी में टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई और पटरी पे चढ़ के गाड़ी मेरी पलटी है। ये सूचना मिली थी कि मसाड़ा से थोड़ा आगे पिपली रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो हम मौके पर पहुंचे थे। खुद SHO साहब भी मौके पर थे और श्री नरेंद्र सिंह DSP भी मौके पर थे और सारी पुलिस तकरीबन हाईवे की मौके पर थी। तो वहां जाकर जो है ना ट्रैफिक को कंट्रोल किया और जो इंजर्ड थे उनको सभी को सरकारी हॉस्पिटल व अन्य हॉस्पिटलों में पहुंचाया और दोनों को भी ऐसा था कि शायद उनकी डेथ हो चुकी है, पर वो फिर भी हॉस्पिटल में पहुँचाया। जो अब आके देखा मैं, पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो 8-9 इंजर्ड हैं। अभी ड्राइवर से भी बातचीत हुई है, अभी उसकी को भी थोड़ी चोट लगी है, तो थोड़ी देर में उसके बयान लेंगे और जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।